products which right now I'm using for my skin, for as a perfume, for cosmetics side. Okay, so the first thing I wanted to share with you is lipsticks. So these are the lipstick I'm using right now. First one is from Color Bar. The shade is number one, Sin, S-I-N, Sin. और इसका कलर कुछ इस तरह का है. Can you see the difference? इसका मैं स्वॉच करके आपको दिखाती हूँ. So it looks like this. ये pinkish कलर है थोड़ा सा, और चेहरे पे लगाने के बाद आपको जो मैक की जो मेहर लिपस्टिक है उससे स्लाइटली डार्क कलर, स्लाइट. बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गो टू लिपस्टिक, एंड आई वेयर दिस लिपस्टिक एवरी डे. इफ आई एम नॉट अप्लाइंग माय लिप बाम और लिप टिंट, आई एम अप्लाइंग दिस लिपस्टिक. और द नेक्स्ट थिंग इज सेम कलर पैन लिपस्टिक, शेड नंबर इज 11, एक्सपोज. तो ये लिपस्टिक का कलर डार्क है, विच आर डार्क चॉकलेट का जो कलर होता है ना, उसका ये कलर है. तो इसको भी मैं स्वॉच करके दिखाती हूँ आपको. दिस इज द शेड. ओके, यू कैन सी इट्स डार्क एंड डार्क ब्राउन. यू कैन सी समटाइम्स मैं ये दोनों लिपस्टिक को मिक्स करके एक न्यूड शेड बनाती हूँ, अ डार्क न्यूड शेड. यहाँ पे लाइट्स का इश्यू है तो आपको आई डोंट थिंक सो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट दिस इज द कलर आई गेट. आई गेस दिस इज द परफेक्ट कलर जो मैंने सुपर लिप बाम लगाया था उससे भी बेटर. सो दिस आर द टू लिपस्टिक्स. आई हैव मेनी लिपस्टिक्स बट दिस आर लाइक माई फेवरेट लिपस्टिक. रेड में अगर आपने बहुत जगह पर नाम सुना होगा कि मैक का रूबी वू. ओके, रूबी वू इज द बेस्ट लिपस्टिक, आई गेट इट. बट दिस लिपस्टिक द कलर बार रेड, शेड नंबर इज 1, हॉट एज हेल. सो ये लिक्विड लिपस्टिक है, इसका इस तरह से एप्लीकेटर है, और इसको लगाने के बाद दिस इज द रेड कलर. ये अभी मैंने जस्ट लगाया है इसलिए कुछ इस तरह से ग्लॉसी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सूखने के बाद ये एकदम मस्त हो जाता है. इसके अंदर थोड़ा शिमर है, थोड़ा सा शिमर, सो ग्लिटर बोल सकते हो जिसको, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके. सो जब भी आप अप्लाई करोगे सूख जाएगा. उसके बाद रात को मैं सजेस्ट करती हूँ, रात को आप इसे पहनो, पार्टी में जाओ या फिर कहीं पर भी फ्रेंड्स से मिल रहे हो, डिनर में जा रहे हो, इसको पहनो. इसमें एक जब भी लाइट पड़ेगी आपके चेहरे पे तो एक शिमरी जो इसके शिमर जो खुल के आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही. देखो सूखने के बाद इस तरह से होता है. सो दिस इज द माय बेस्ट लिपस्टिक. कलर बार की जो ये लिपस्टिक है ये बुलेट लिपस्टिक है. ओके, ये इस तरह से खुलती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट है तो इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी ये अपने आप बंद हो जाएंगे ना. इसमें कुछ इसके कोई मैकेनिज्म इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये मैग्नेट दिया है तो विच इज़ वेरी बेस्ट थिंग फॉर यूज. और ये ट्रैवल में भी लेके जा सकते हो आप. इसमें है कि इसमें आपको ऐसे खोलना पड़ता है और फिर इसको निकालना पड़ता है. बट कलर बार के लिपस्टिक्स के एप्लीकेटर बहुत ही सही है, लगाने में भी बहुत ही अच्छे रहते हैं. और इसका जो टेक्स्चर वेरी वेरी थिन, वेरी लाइट ऑन लिप्स, रियली गुड, आई लव इट. और जो ये एवरीडे लिपस्टिक में लगाती हूँ कलर बार की, दिस इज ऑल्सो अ पाउडरी फॉर्म ऑफ लिपस्टिक. ऐसा नहीं कि लगाने के बाद यू नो चैपी लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ भारी भारी मैंने लिप्स पे लगा दिया कि आपका नज़र वहीं पर जा रहा है बार बार. नो, नॉट लाइक दिस. और दिस इज नॉट फॉर आई एम एडवर्टाइजिंग ऑफ कलर बार, बट आई लव देयर प्रोडक्ट्स. द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो इज फ्रॉम कलर बार, विच इज this product. This is a light 24 hours wetless liquid foundation.
तो ये फाउंडेशन है, ये लिक्विड फाउंडेशन है, बिल्कुल ही वेटलेस है। लगाने के बाद लाइक बीबी क्रीम जो आप अपने लगाते हैं उसके बाद किस तरह से लाइट दिखता है, उसी तरह से आज मैंने वही यूज़ किया है। और बस आप नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, आप सनस्क्रीन लगाओ और उसके बाद ये लगा दो, दैट्स इट। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सनस्क्रीन की बात हुई ही है तो मैं सनस्क्रीन भी आपको बता दूँ। दिस इज़ द सनस्क्रीन विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, विच इज़ इपिकाज सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल SPF 30 फॉर एक्ने यूवी। सो दिस इज़ ऑयल फ्री, नॉन कॉमेडोजेनिक, वेरी वाटर रेजिस्टेंस। तो मैंने फ़िलहाल इस सनस्क्रीन के बारे में बहुत ही सुना था, बहुत ही सुना था। मेरी स्किन जो है बहुत ही सेंसिटिव है, ऑयली है, और ये जो मेरा टी जोन है वहाँ पे मेरा ऑयल आ जाता है, बाकी ड्राई है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्किन माइन इज़। और मेरी स्किन बिकॉज ऑफ ऑयल आता है, उसकी वजह से एक्ने प्रोन भी है, मुझे एक्ने भी आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं मेरी स्किन पे। उस पर मेरा काम हो रहा है अभी, लेट्स सी, मैं आपको अपडेट भी देती रहूँगी। लेकिन ये सनस्क्रीन लोशन इज़ द बेस्ट फॉर फेस। मैंने ये छोटू सा इसलिए के लिया था कि मुझे ट्राई देना था, क्योंकि एक बार मैंने एक सनस्क्रीन लोशन लिया था, सनस्क्रीन क्रीम ली थी, जो यू नो बहुत ही बैड इम्पैक्ट दे गई थी मेरी स्किन पे, तो वो नहीं करना था, इसलिए मैंने ये लिया है। लेकिन द बेस्ट प्रोडक्ट लास्ट एक के बाद अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँगी तो यही है। इसका मैं बड़ा पैकेट लेने वाली हूँ और मैं यूज़ करने वाली हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ शेफोरास ब्लश। दिस इज़ अ पाउडर ब्लश, ओके, इट्स लुक्स लाइक दिस। When you watch it, it is, यहाँ पे आपको ये पिंक लग रहा है, लेकिन लगाने के बाद ये थोड़ा ऑरेंजी पीच साइड जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया है इसको, तो लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है। द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ टिंट एंड ब्लश। दिस इज द थिंग, दिस इज ई टूड का, ई टूड, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, दिस इज फिक्सिंग टिंट। ये मैंने लिया था, आई गेस थाईलैंड से लिया था मैंने ये, और दिस इज द बेस्ट टिंट। अभी तक मैंने इतने टिंट यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने जब मैं यूज़ किए उसके ये टिंट मुझे बेस्ट लगता है। अगर आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा है तो अभी मैंने यही अप्लाई किया है, ये लिक्विड बेस है, इसका एप्लीकेटर इस तरह से है। दिस ये एकदम जेल रेड कलर का है, लगाने के बाद अगर इसको इस तरह से टैप टैप करके इसको ठीक से लगाओगे तो ये इस तरह का वाइब देता है। दिस बेस्ट फॉर इंडियन स्किन टोन, मेरा डस्की स्किन टोन है, अगर मेरी तरीके हो आप प्लीज़ इसको परचेस करो। इसका का शेड है 01, ओके, एनालॉग रोज। द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो दिस लिप रोज, लिप बाम आई कैन से, एंड ये भी मैंने थाईलैंड से ही लिया था, मैंने मॉल में मैं घूम रही थी और उसी में से मैंने ये दो चीज़ ली थी। ये है शीर का ब्यूटी फ्लाइंग लिप बाम, ओके, एंड विथ जोजोबा ऑयल है ये, सो विच इज बेस्ट फॉर योर लिप्स। और सच में ये लिप बाम मैंने लगाने के बाद ऐसा नहीं कि चैपी हो गए मेरे लिप्स, स्किन निकल रही है, नो, ये लिप बाम लगाने के बाद एक्चुअली ये मेरे लिप को नरिश करता है और ऐसी स्किन भी निकलने का कोई भी इश्यू इसमें नहीं होता है। लगाने के बाद ये एक तो थोड़ा सा हल्का सा रेड टिंट देता है मेरे लिप्स को, बिकॉज इट इज़ विथ जोजोबा। इसका नंबर है 04 वाटर मेलोनेड, या दिस इज द लिप बाम, और कैटराइज का है ये लिप बाम, सो वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम। सो नेक्स्ट थिंग इज द परफ्यूम थिंग, ओके, सो मैं, मेरे पास परफ्यूम तो कई सारे हैं, लेकिन बेस्ट परफ्यूम मैं आपको बताऊँ और बेस्ट बॉडी मिस्ट मैं आपको बताऊँ तो दिस इज थिंग, दिस इज फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ओके, दिस इज किंगनम। इसका ये भी निकल गया है पूरा, किंगनम गंगर आई गेस, या इसका पूरा ये मिट गया है, क्योंकि मैंने देखो इसका यहाँ तक का यूज कर दिया, यहाँ पे आ गया है प्रोडक्ट।
इसको लगाने के बाद क्या स्मेल है इसका, सच में इसको लगाने के बाद पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्मेल है इसका। मैं इसको और द नेक्स्ट वन इज दिस ज़ारा ऑर्चिड, इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाती हूँ क्योंकि ये बॉडी मिस्ट है और इसको मैं कपड़ों में भी लगाती हूँ, और दोनों को मिक्स करके जो स्मेल बनती है ये ऑर्चिड का, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है ज़ारा का। ये था आई गेस 800 अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर, बट यस। सो इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाती हूँ, क्या स्मेल रहता है और पूरे दिन लॉन्ग लास्टिंग ये स्मेल रहता है। सो दिस टू आर द बेस्ट थिंग आई एम हैविंग फॉर फ्रेग्रेंस। द नेक्स्ट थिंग इज बॉडी क्रीम। सो मैं यूज़ करती हूँ नेविया की ही बॉडी क्रीम यूज़ करती हूँ, जो कोकोआ वाली आती है, ठीक है, फॉर ड्राइनेस ऑफ माई स्किन, क्योंकि मेरा चेहरा ऑयली है लेकिन मेरा पूरा बाकी का बॉडी है वो ड्राई है। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किन टाइप, लेट मी नो अगर आपका भी कुछ इस तरह से वियर्ड रिएक्ट करता है स्किन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। बिकॉज मेरे हाथ, मेरे यू नो दिस पार्ट ऑफ बॉडी, सेम इन द लेग एंड पाम, बोथ आर रियली रियली ड्राई। सो दैट इज द थिंग विच आई एम यूजिंग। लाइक मैं नहीं, इंडिया की आधी से ज़्यादा लड़कियाँ नेविया की बॉडी लोशन यूज़ करती होती, ओके। बट रिसेंटली आई वेंट दुबई एंड इन दुबई मॉल आई वेंट अ कोरियन शॉप, मुझे याद नहीं है, मैं व्हाट्सएप और समथिंग काइंड ऑफ था शॉप का नाम, आई डोंट रियली रिमेंबर। वहाँ से मैंने ये चीज़ बाय की, द विटामिन ई इंटेंसिव स्किन केयर ऑल ओवर बॉडी क्रीम, ओके। दिस इज रिच इन नेचर, डिफेंड द स्किन अगेंस्ट एनवायरमेंटल डैमेज, 24 आवर मॉइस्चराइजेशन फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। और ये कुछ इस तरह की है, पूरा डब्बा भर के है ये। स्मेल इसका इस ऐसा नहीं कि लगाने के बाद सिर दुखने लगे, माइग्रेन होने लगे, नो, इट्स रियली रियली माइल्ड स्मेल, और लगाने के बाद एकदम रिफ्रेश फील होता है और इतना नरिश करता है स्किन को लगाने के बाद, बहुत टाइम तक ये स्टे भी करता है। मैं सोने से पहले लगाती हूँ ये, मैं दिन में नहीं लगाती हूँ, सोने से पहले लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जिस जैसा इसका फीचर है कि इट इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन, ये बहुत ही काम करता है। तो इसको प्लीज़ अगर आप वहाँ पे जा रहे हो या फिर ये प्रोडक्ट है अगर आप इसको ले पा रहे हो कहीं से, तो लो, रियली रियली। इसके नीचे भी लिखा है 100% हैप्पीनेस मनी बैक गारंटी, और वहाँ पे स्टोर पे जो लेडी खड़ी थी उसने मुझे बोला था कि अगर आपको ये अच्छा ना लगे, इसको आप यूज़ किया हुआ वापस दे के जाओ, हम लोग आपको पूरा इसका पैसा वापस करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप पढ़ो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं आपके अपने इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ। और ये द बेस्ट थिंग इज द क्रुएल्टी फ्री, जो लोग वेजिटेरियन और वीगन हैं ये लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो एनिमल्स को हार्म करने के बाद नो यूज़ किया गया है। सो यू कैन गो फॉर इट एंड यूज इट, यू विल गोइंग टू थैंक मी लेटर, आई नो दैट यू विल कम इन टू माई कमेंट सेक्शन, यू आर गोइंग टू से दैट थैंक यू सो मच सपना फॉर सजेस्टिंग दिस। This is it. This all are the things which I wanted to share with you. I hope these things help to you guys. You can go to, you know, the shops which I suggested you and may buy these products which I suggested you. It's all up to you. मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है, ये सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी है, जो मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगा है यूज़ करने के बाद कि नो दिस इज़ द गुड थिंग्स, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड या लेट मी नो ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सी सम अदर थिंग्स फ्रॉम माई क्लोजेट एंड माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से, या फिर कोई भी यू नो बैग्स, मेरे पास दूसरे बैग्स भी हैं, इफ यू वॉन्ट टू सी देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड
kindly follow me on my Instagram. This is my Instagram account. And like, share, subscribe, follow me for more videos. Bye-bye.